अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों दोस्तों सबसे पहले तो एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आपको कोई और काम नहीं है। ज़हरी बात है, मेरा चैनल इसी थाई लॉटरी पे ही है, तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, और अगर किसी दोस्त को पसंद नहीं है, वो नहीं देखना चाहता, तो वो मेरे चैनल पे आने की उसको ज़रूरत क्या है। पहले तो मेरा सवाल उनसे ये है भाई कि अगर आपको नई वीडियो देखनी है, आप वीडियो भी देखते हो, उससे जो आपको नज़र आता है वो अपना, यानी कि आप कुछ समझते ही हो तो मेरे चैनल पे आते हो, वीडियो भी देखते हो, और उसके बाद आप आके ऐसे कमेंट्स करते हो, या तो फिर छोड़ दो। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो मैं तो आपको जाके मैसेज नहीं करता कि भाई आओ मेरे वीडियो देखो, मुझे फॉलो करो। तो भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नहीं आओ ना, मैं तो आपको कहीं ना तो कॉल करता हूँ, ना मैं आपको कोई आदमी भेजता हूँ कि आओ मेरे चैनल पे वीडियो आ गई है, आप खुद आके देखते हो। छोड़ तो देखना भाई, मेरे कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। चले दोस्तों, ये तो चलता रहता है, ऐसे दोस्त भी हैं, ना समझें नादान है, क्या बोलें। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक और ज़बरदस्त रूटीन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये दोस्तों रिज़ल्ट आया है जी 752, ये मैं आपको ईयर भी बता देता हूँ, 752 जी। ये दोस्तों ये आया है जी 2010 में 752, ठीक है दोस्तों। उससे क्रॉस में जब ये काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, देख लें एक बार फिर 752 से 1 2 3 4 5, और फिर इसके जस्ट एक ड्रा नीचे 5 ड्रा क्रॉस में आना है, 1 2 3 4 5, फिर नीचे ये 6, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आया 864। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये लास्ट रिज़ल्ट का लास्ट ड्रा का रिज़ल्ट है 331, तो इसके नीचे ये 6, यहाँ पे रिज़ल्ट आना है अभी दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह चल रहा है, मैं आपको अभी यहाँ पेपर पे लिख के मैंने नोट करके रखा है। तो देखें दोस्तों, ये 752 आया 2010 में, इसी तरह वो रूटीन वाइज ये, उसके बाद 864, अब यहाँ पे इसके 331 के नीचे यहाँ पे आना है रिज़ल्ट। तो यहाँ पे तो देखें दोस्तों क्या हुआ, ये एक एच में डिजिट लगा है 7, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लगा 8, और रूटीन वाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए 9। वैसे तो मैंने आपको एक 7 9 का पेयर दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन क्या होता है दोस्तों थर्ड टच में वो घुमा भी जाता है, तो ये 9 7 भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कई बार जैसे लास्ट टाइम जो मैंने 338 का पेयर दिया था, तो वो 4 टच थी, तो उसने वो लास्ट में TF पेयर लेना था ये, तो उसने क्या किया कि उसने TF की जगह HT में ले लिया, तो ये पोजीशन चेंज भी हो सकती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये क्यों 9 आना चाहिए इस रूटीन से, देखें जब ये 7 लगा दोस्तों, तो इसके क्रॉस में रिज़ल्ट था, ये 752 के क्रॉस में था 986, इसका फर्स्ट डिजिट था 986 का 9, और फिर इसके क्रॉस में था दोस्तों 208 का H था 2, यानी 2 9 और ये 7, तो ये हम नोट कर लेंगे, लिख लेंगे 2 प्लस 9 प्लस 7, ये 2 ये 9 और ये 7, जब तीनों को प्लस किया दोस्तों तो ये बना 8। उसके बाद दोस्तों जब ये 7 के बाद यहाँ पे 8 एच में आया, तो इसके क्रॉस में दोस्तों ये 864 के क्रॉस में था 149, ये ऊपर इसके क्रॉस में था 1 और इसके ऊपर 9, यानी ये 9 1 और 8। अच्छा, इस पे जहाँ से ये शुरू हुआ यहाँ पे टोटल पहले देख लें, चलिए टोटल बाद में दिखाता हूँ, पहले ये चीज़ ही क्लियर कर लूँ। यानी 7 लगा तो ये क्रॉस में 9 2 9 और 7 का बना 8, उसके बाद ये 9,
प्लस वन प्लस ये एट, तो इनको भी प्लस करके दोस्तों क्या बना, एट ही बना। उसके बाद दोस्तों ये एच में अगर नाइन आता है, इसके क्रॉस में यहाँ पे पड़ा है टू और इसके क्रॉस में दोस्तों पड़ा है सेवन, तो सेवन टू और नाइन ये हम लिख लेंगे, सेवन प्लस टू प्लस नाइन इज इक्वल टू एट के, ठीक है दोस्तों। तो ये भी उस रूटीन से नाइन लग के एट भी बनना चाहिए, तो उस रूटीन से भी ये ठीक हो गया। अब दोस्तों हम आ जाते हैं मिडल डिजिट पे। जब ये सेवन दोस्तों लगा तो इसके साथ मिडल में लगा फाइव, ठीक है दोस्तों। ये सेवन लगा तो इसके साथ मिडल में लगा फाइव, इन सेवन और फाइव का पेयर आ गया। जब ये सेवन से एक बढ़ के एट यहाँ पे लगा तो फाइव से एक बढ़ के यहाँ पे मिडल में लगा सिक्स, और उसके बाद दोस्तों जब ये नाइन से एक बढ़ के यहाँ पे एट से एक बढ़कर यहाँ पे नाइन लगता है दोस्तों, तो ये सिक्स से एक बढ़ के यहाँ पे आ जाए सेवन। अब ये तो हमारा हो गया पेयर, ठीक है। यानी जब ये तीन डिजिट एच के क्रॉस में प्लस की सेवन लगा तो ये तीनों का बना एट, टू नाइन सेवन का एट बना। फिर ये नाइन वन और एट लग के ये फिर एट बना। अब जब ये नाइन एच में आए तो सेवन टू और नाइन के साथ भी एट ही बने, ठीक है दोस्तों। यानी सिंपल ये है कि ये दो डिजिट को प्लस करके बना ज़ीरो वन, ये दो डिजिट को प्लस करके बना ज़ीरो, और फिर ये सेवन प्लस टू, ये दो डिजिट को प्लस करके बना नाइन। वन ज़ीरो नाइन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेवन लगा एट लगा और अब नाइन लग के ये चीज़ कंप्लीट हो, और फिर मिडल में फाइव, मिडल में सिक्स, मिडल में सेवन। तो ये इस तरह भी हो सकता है, जैसे सेवन नाइन भी बन रहा है नाइन सेवन, तो ये दोनों पोजीशन में पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। जब एक पेयर की पोजीशन बन जाती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही, ये दोनों पोजीशन में आ सकता है। तो इससे पहले भी दो तीन वीडियो रूटीन से मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब ये सेवन एच में लगा बैक इसके मिडल में लगा फाइव, तो ये हम दोनों को प्लस करेंगे, सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू टू के, ठीक है दोस्तों। और जब ये एट लगा तो इसके साथ क्या आया सिक्स, यानी एट प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर के। और अब दोस्तों यहाँ पे नाइन प्लस सेवन इज इक्वल टू, यानी नाइन प्लस सेवन इज इक्वल टू सिक्स के, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, जब ये पेयर लगा सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू टू के, तो लास्ट में वही टू आ गया, यानी सेट क्या आया सेवन फाइव टू। यहाँ पे जब एट लगा मिडल में लगा सिक्स, दोनों को प्लस किया, एट प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर के, तो लास्ट में फोर ही आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब नाइन जब लगाए तो मिडल में लगे सेवन, तो ये दोनों को प्लस करके बने सिक्स, तो लास्ट में सिक्स आए। तो ये पोजीशन क्या बनी सेट की, नाइन सेवन सिक्स या सेवन नाइन सिक्स, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर सेवन एच में आता है नाइन, तो प्लस दोनों को करके वही आउटपुट क्या आएगा, लेकिन दोनों को प्लस करके सिक्स ही बनता है ना, तो नाइन सेवन सिक्स या सेवन नाइन सिक्स की पोजीशन में ये सेट। एक रूटीन से मैं सेवन नाइन सिक्स की पोजीशन में शेयर कर चुका हूँ, और दूसरी पोजीशन से नाइन सेवन सिक्स बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और सिंपल है जारी बात कि ये टोटल लगा था फोर का, फोर में प्लस फोर करेंगे तो हुआ एट, अब एट में प्लस फोर करेंगे तो क्या होगा टोटल इन टू का। और फिर ये इनका जब ये तीन इन सेट को प्लस करेंगे तो ये टोटल आया 14 में। उसके बाद दोस्तों 14 के बाद ये तीन टोटल का बना सेट आया 18 में। अब जो सेट आना चाहिए वो आना चाहिए 22 में, ठीक है। यानी 14 में प्लस
फोर करें तो बनता है 18, तो रिज़ल्ट क्या 18 में आया। अब 18 में प्लस जब फोर करेंगे तो इज़ इक्वल टू 22 के, तो ये 22 में ही रिज़ल्ट आना चाहिए। तो इस हिसाब से भी दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग रूट बन रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन है। इस तरह की चीज़ें अक्सर पास हो जाती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में। बेस्ट ऑफ।